वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको मंगलिक दोष या योग के बारे में बताने जा रहे हैं कि मंगलिक दोष है कि योग है। कुंडली में जब मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में होता है तो वे मंगलिक दोष हो जाता है, उसे हम मंगलिक बोल देते हैं। वैसे मंगलिक दोष कोई दोष नहीं है, आपको इससे डरना तो नहीं चाहिए। बहुत से जातक की कुंडलियों में मंगल इन ग्रहों में होता है, ये सबके लिए दोष नहीं होता है, शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी। ये नहीं कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर दें, तब ये धारणा है कि मांगलिक की शादी अगर हम नॉन मांगलिक से कर दें तो जातक की मृत्यु भी हो सकती है या उसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। पति पत्नी में से एक ही मांगलिक हो तो दोनों में तलाक भी हो सकता है, उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं या वो बीमार रहेगा। मंगल दोष में व्यक्ति की को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मंगल दोष समस्या तो देता है, अगर आप मांगलिक की शादी मांगलिक से ही कर दें तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मांगलिक जातक जो कि जन्म से ही मंगलिक है, कोई कह दे कि 28 वर्ष के बाद उसका मंगल दोष खत्म हो जाता है तो ये बिल्कुल झूठ है। आपको किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, मंगलिक जातक सारी उम्र मंगलिक ही होता है। मंगल को कुंडली में सेनापति कहते हैं, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल ऊर्जा का भी कारक है। मांगलिक जातक थोड़ा उग्र स्वभाव का जरूर होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन, एट और ट्वेल्थ हाउस में शनि ग्रह बैठा हो, अगर शनि इन ग्रहों में बैठ जाए तो मंगल दोष का नाश हो जाता है। अगर लगन में मेष राशि का मंगल हो या फोर्थ हाउस में वृश्चिक का मंगल हो, सेवन्थ हाउस में मीन का मंगल हो या एट्थ हाउस में कुंभ राशि का मंगल हो और ट्वेल्थ हाउस में धनु राशि का मंगल हो तो मंगल दोष नहीं होता। यदि गुरु और शुक्र फर्स्ट लगन में या सातवें घर में उच्च के या सर्व ग्रह बैठे हो तब भी मंगल दोष नहीं लगता। अगर कुंडली में मंगल नीच का हो या अस्त हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता। जातक की जन्म कुंडली में अगर मंगल गुरु के साथ बैठा हो या चंद्रमा के साथ हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता। अगर चंद्र केंद्र के घरों में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ और टेंथ हाउस में बैठा हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता। अगर जातक की कुंडली में जब हम किसी की कुंडली मिलाते हैं तो उनकी राशि मित्र की हो तथा गण दोष ना हो और गुण भी 27 से ज़्यादा मिलते हों तो मंगल दोष नहीं लगता। अगर जातक की कुंडली में राहु केंद्र में बैठे हों, अगर राहु फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस में बैठे हों तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसलिए आपको मंगल से इतना डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।